हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरुण पारिक और आज मैं जा रहा हूँ भुटाटी धाम, जहाँ पर लकवे का इलाज होता है, वो भी फ्री में। कोई भी पैसा वगैरह वहाँ पर नहीं लिया जाता। और इसका नाम है चतुरदास जी महाराज भुटाटी धाम। ये नेशनल हाईवे 89 के ऊपर ही है। ये अजमेर और नागौर के बीच में आता है। ये गांव से 2 किलोमीटर अंदर की तरफ पड़ता है। आप देख सकते हैं ये मेन गेट। यहाँ पर डे लाखों श्रद्धालु आते हैं। और ये मंदिर है श्री चतुरदास जी महाराज का। और यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते रहते हैं। रोज़ाना यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं और अपना इलाज करा के बहुत खुश होकर वापस जाते हैं। यहाँ पर लाइनें लगती है श्रद्धालुओं की। लकवे का इलाज यहाँ पर होता है और वो भी फ्री में। यहाँ पर जो यहाँ के भक्त है वो इलाज बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। और एक बात, यहाँ पर वैसे इलाज के नाम पर कुछ नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक फेरी लगाई जाती है मंदिर के बाहर से, और जो बबूती होती है भगवान की वो ली जाती है। और ऐसा हमें 7 दिनों तक करना होता है। 7 दिनों ये जो फेरी है ना, जो हम दे रहे हैं, ये फेरी होती है। ये फेरी लगानी होती है और बाहर फिर बबूती लेंगे हम। ये दो ही काम होते हैं और ये हमें 7 दिनों तक यहाँ पर ही रहना पड़ता है। यहाँ पर सब व्यवस्था हमें मिलेगी, रहने खाने की सब की व्यवस्था। ये जोत 24 आवर्स ऑन ही रहती है, यानी चालू रहती है। तो हम इस जोत की बबूती लेते हैं। बबूती लेके हम इसको खाते हैं, उससे हमारे जो भी लकवे की बीमारी है वो ठीक हो जाती है। और यहाँ पर मौली भी बांधी जाती है, जो भी मनोकामना हो वो भी पूरी हो जाती है। ये मंदिर देख सकते हो आप, अंदर से इसकी डिज़ाइन वगैरह एकदम पुराने टाइप की है, क्योंकि ये मंदिर 500 साल पुराना है। वैसे मंदिर में थोड़ी बहुत बनावट नहीं कर दी गई है, लेकिन इसमें जो मेन है वो 500 साल पुराना है। यहाँ पर चतुरदास जी महाराज की समाधि बनाई हुई है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। और यहाँ पर भक्त और श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं। यहाँ पर पीने की पानी की व्यवस्था और आप सब चीज़ यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से मिलेगी। रहने खाने सोने की व्यवस्था, और यहाँ पर आपका मन करेगा आने का। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं किसी के सहारे, लेकिन जाते हैं बहुत ही खुश होकर। यहाँ पर अभी मैं 2 दिन और रुकूँगा, क्योंकि मैं भी किसी के साथ आया हुआ हूँ यहाँ पर। I'm gonna get it।
मैंने बहुत सारे श्रद्धालुओं से बात भी की और मुझे बहुत ही अच्छा अच्छा उन्होंने बताया, तो मैं भी बहुत खुश हुआ। और मुझे ये भी देखकर बहुत प्रशंसा हुई कि एक ऐसा भी मंदिर है जहाँ पर कुछ नहीं लिया जाता और इतनी सारी भीड़ आती है यहाँ पर, वो भी बहुत दूर दूर से। तो मैं ये देखकर बहुत खुश हुआ। और किसी को भी ये अगर लकवे की दिक्कत हो यानी पैरालाइज की, तो वो यहाँ पर आकर अपना इलाज करवा सकते हैं। और आपको यहाँ पर आने से बहुत ही अच्छा लगेगा। और आप इस मंदिर को देखोगे तो ये बहुत ही काफ़ी जगह में फैला हुआ मंदिर है। ये देख सकते हो आप, जैसे श्रद्धालु यहाँ पर अच्छे से नहीं होते, वो यहाँ पर आते हैं और अच्छे होकर ही वापस जाते हैं। और रहने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी बनाई हुई है यहाँ पर। जो यहाँ मंदिर के जो कार्यकर्ता है उनकी व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। और ये देख सकते हो आप, ये जोत पूरे दिन चालू रहती है और इसमें थोड़ा बहुत प्रसाद भी डालते हैं। आपको एक बार यहाँ पर जरूर आना चाहिए और आप देखोगे कि ऐसी व्यवस्था आपको और कहीं नहीं मिलेगी देखने को। ये देखिए, यहाँ पर जो पैरालाइज होते हैं वो अपने अपने जो साधन होते हैं वो लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ से ठीक होकर वापस जाते हैं। और ये बहुत चमत्कार, समझ लो आप, ऐसा चमत्कार आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठा होती है। मैं यहाँ पर बाइक लेके आया, लेकिन आप ऑटो से भी आ सकते हो। यहाँ पर उतरने के बाद आपसे 20 रुपये चार्ज लेगा।